हेलो गाइस, हम पढ़ रहे थे अभी लास्ट क्लास में जो पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस में हमने अभी पढ़ा एंथैल्पी एट वेरियस पॉइंट्स एंड एंट्रोपी एट वेरियस पॉइंट्स। ठीक है, अभी इसमें थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है अनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। अनोमलस बिहेवियर का मतलब है अननोन बिहेवियर। अननोन बिहेवियर कैसे है, देखो जनरल सब्सटेंस के लिए फॉर जनरल सब्सटेंसेस के लिए हमें पता है जब आपका सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो मटेरियल क्या करता है, एक्सपेंड करता है। ठीक है, और जब लिक्विड से आपका सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, ये एक्सपेंड करेगा जब लिक्विड से सॉलिड में। हमें पता है क्यों पता है, क्योंकि देखो सॉलिड के मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, ये इस टाइप से सॉलिड के मॉलिक्यूल होते हैं, है ना। इस टाइप से आपके सॉलिड के मॉलिक्यूल होते हैं और लिक्विड के मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, ये होता है लिक्विड। ठीक है, ये सॉलिड के मॉलिक्यूल, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स। सॉलिड मतलब जो आपस में गले हुए लगे हुए हों। ठीक है, जैसे हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो आपस में गले लगे हुए हों, वे हो गए आपके सॉलिड। ठीक है, लिक्विड जो दोस्त है, जो हाथ पकड़ते हैं। ठीक है, ऐसे हाथ पकड़े हुए, पहले बताया था ना, जो हाथ पकड़े हुए हैं आपस में वो क्या है, लिक्विड है, दोस्त है। और जो कुछ भी नहीं है, अननोन है, वो क्या है, दूर दूर है, वो होते हैं गैस। गैस के मॉलिक्यूल आपके बहुत दूर दूर होते हैं, उनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता आपस में। ठीक है, तो देखो ये सॉलिड के मॉलिक्यूल थे, लिक्विड में आने के बाद एक्सपेंड करेंगे, मॉलिक्यूल थोड़े दूर दूर हो जाएंगे, तो सॉलिड से जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो एक्सपेंड होता है जनरल सब्सटेंस के लिए। लिक्विड के, लिक्विड से जब सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये जनरल सब्सटेंस के लिए हमें पता है। ठीक है, आप इस चीज को हम मेल्टिंग लिख सकते हैं, मेल्टिंग होता है ना, और इस चीज को हम लिखते हैं फ्रीजिंग। यानी कि फ्रीजिंग जब होगी सॉरी, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो आपका ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, और सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, मेल्टिंग जब होगी तो आपका एक्सपेंड करेगा जनरल सब्सटेंस के लिए। लेकिन बट फॉर वाटर, वाटर के केस में उल्टा होता है, वाटर के केस में उल्टा होता है। क्या होता है, वाटर जब लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है, ठीक है, यानी कि आइस बनती है, तब लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट, चलो मैं पहले ये लिख लेते हैं, सॉलिड से, सॉलिड यानी कि आइस से आपका लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो इस टाइम पे ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। एंड जब लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो ये एक्सपेंड करता है, एक्सपेंड होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एक्सपेंड। लिक्विड से जब सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो वाटर एक्सपेंड करता है। फ्रीजर में अगर आपने आइस, जब मतलब फ्रीजर में अगर आपने पानी रखा, पानी रखा और वाटर का लेवल थोड़ा सा कम रखो उससे, ठीक है, जो टॉप मोस्ट लेवल है उससे थोड़ा सा कम रखो, तो आप देखोगे वहां से काफी ऊपर लेवल आ जाएगा जब वो आइस में कन्वर्ट होगा तो। या कुछ लोग बिल्कुल भर के रख देते हैं तो क्या होता है, वो वहां से नीचे गिरता है और वो नीचे आइस जम जाती है। देखा होगा आपने फ्रीजर के अंदर क्या होता है, अगर फुल पूरा भर के रखोगे, कोई भी बर्तन है, कोई भी पॉट है,
पूरा भर के रखे हुए, तो एक्सपेंड होगा, आइस में कन्वर्ट होगा तो एक्सपेंड होगा, और वो वाटर आपका एक्स्ट्रा पानी नीचे गिर के वो वहीं पे जम जाता है, बर्फ जम जाती है उसकी, तो फ्रीजर में इसीलिए बर्फ जमी होती है साइड में, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपने उसका लेवल अगर कम रखा है, मान लो एक बर्तन लिया, बर्तन में आपने पानी रखा, पानी का लेवल थोड़ा सा कम रखा उसने फुल से, तो उसको आप रख दो, आप देखना उसका लेवल आपको इंक्रीज मिलेगा आइस के बाद, ठीक है। इसीलिए आइस आइस की का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है तो डेंसिटी कम हो जाती है, तो इसलिए जो आइस है वो पानी के ऊपर तैरती है, बर्फ जो है पानी के ऊपर तैरती है, क्यों? क्योंकि आइस की डेंसिटी कम हो जाती है, क्योंकि वॉल्यूम उसका बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है तो डेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं, इसी बिहेवियर को बोलते हैं हम एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, ठीक है। ये बहुत सारे लोगों ने इसकी अलग 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 थ्योरीज दी है कि क्यों होता है क्यों नहीं होता ऐसा। ज्यादातर जो आपको पता है और जो जो जनरली जिसको थोड़ा सा माना गया है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। बाकी इसका एग्जैक्टली रीजन नहीं पता है, एग्जैक्टली मतलब अलग अलग पता है नहीं पता वो अलग बात है, लेकिन अलग अलग थ्योरीज दी गई है इनकी, इसके बेस पे कुछ थ्योरीज दी गई है, तो उसके डिटेल में हमें नहीं जाना, बस हमें यही पढ़ना है, ठीक है। तो इसीलिए देखो, जब एक पीटी डायग्राम बनाते हैं हम, प्रेशर एंड टेम्परेचर, पी टी डायग्राम, ठीक है, इस पे तीन कर्व बनते हैं, वो ऐसे बनती है, ठीक है। इधर आपका होता है सॉलिड, इधर होता है आपका लिक्विड, और इधर होता है वेपर, पी एंड टी कर्व अगर बनाते हैं तो, ठीक है। और जो ये पॉइंट होता है, ये पॉइंट जहां पर ये तीनों इक्विलिब्रियम में होते हैं, इसको हम बोलते हैं, ये वाला पॉइंट इसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट, ये किसी भी जनरल सब्सटेंस के लिए है, ठीक है। इसमें देखो, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होता है, इसको बोलते हैं वेपोराइजेशन कर्व, इसको बोलते हैं वेपोराइजेशन कर्व, ठीक है। सॉलिड एंड वेपर के बीच में जो होता है इसको बोलते हैं सब्लिमेशन कर्व, ठीक है, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन कर्व, और इसको बोलते हैं हम फ्यूजन कर्व। ये एक्चुअली ज्यादा ही कुछ बन गया इसका, ये थोड़ा सा इधर आएगा, इसको बोलते हैं हम फ्यूजन कर्व। ये जनरल सब्सटेंस के लिए है, ठीक है। अब वाटर में क्या होगा, जो वर्टिकल लाइन है इससे इधर आ जाएगी आपकी फ्यूजन कर्व। वाटर के केस के लिए क्या है एक्चुअल में, आपकी वाटर के केस में ये आपकी होती है फ्यूजन कर्व, फ्यूजन कर्व फॉर वाटर ओनली, ये रेड वाली जो बनाई है सिर्फ वाटर के लिए, यानी कि अगर वाटर का डायग्राम आता है तो इसको हटा देंगे बाकी तीन कर्व, और अगर किसी और जनरल सब्सटेंस का है तो आप इसको 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 याद रखोगे, ठीक है। तो डिफरेंस देखो, ये जनरल सब्सटेंस की फ्यूजन कर्व है और ये फ्यूजन कर्व है वाटर, ठीक है। यहाँ जहां पर तीनों सॉलिड लिक्विड एंड वेपर फेज मीट करते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट, और वाटर का ट्रिपल पॉइंट है आपका ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड एट 0.6117 किलो पास्कल प्रेशर, ठीक है। यानी कि ये टेम्परेचर और ये प्रेशर जब होगा तो वहां पर आपका क्या होगा, ट्रिपल पॉइंट होगा वाटर का, यानी कि उस जगह पे आपके तीनों फेज एग्जिस्ट करेंगे वाटर के लिए, ठीक है।
0.01 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 0.6117 किलो पास्कल, ये आपका हो गया ट्रिपल पॉइंट किसके लिए, वाटर के केस में। वाटर के केस में इसकी वैल्यू बता दी, ठीक है, बाकी किसी का याद करने की जरूरत नहीं है। अब एक चीज और, एक नोट लिखना था एक्चुअल में हमें, और वो नोट क्या था, जो टीएस डायग्राम हमने पढ़ा है, ठीक है, ये प्रेशर पी वन है मान लो, फिर प्रेशर दूसरा पी टू है, और ये तीसरा प्रेशर है पी थ्री। हर एक प्रेशर के कोरस्पोंडिंग सिर्फ एक ही सेचुरेशन टेम्परेचर होता है। सेचुरेशन टेम्परेचर मतलब इस कर्व को कट के या इस कर्व को, और इन दोनों को एक ही जगह पे कटता है ये टी सेचुरेशन किसका, फर्स्ट पॉइंट का, ये जो दूसरा आएगा ये आएगा टी सेचुरेशन सेकंड पॉइंट का, और ये टी सेचुरेशन थर्ड पॉइंट का। और हमें पता है P3 greater than P2 greater than P1, प्रेशर इधर से इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे हम देख रहे हैं प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे आपका सेचुरेशन टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, ऊपर की तरफ क्या हो रहा है इंक्रीज, ठीक है। तो जैसे जैसे सेचुरेशन टेम्परेचर इंक्रीज होगा जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा वैसे वैसे सेचुरेशन टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। तो आप लिख सकते हो विद इंक्रीज इन प्रेशर कोमा सेचुरेशन टेम्परेचर आल्सो इंक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीज होने के साथ साथ सेचुरेशन टेम्परेचर भी आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। अब ये तो बहुत इजी था, अब नेक्स्ट सारी चीजें इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं पीवी डायग्राम, अब हम बनाते हैं पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम अगर आप तीनों फेज शो कर रहे हो तो देखो कैसे बनेगा पीवी डायग्राम। ये बनेगा इस टाइप से पीवी डायग्राम, ठीक है, ये यहां से आगे नहीं जाएगी का, ठीक है, ये पीवी डायग्राम बनेगा। यहां पर आपका सॉलिड होगा, ठीक है, यहां पर सॉलिड, यहां पर लिक्विड और यहां पर वेपर। लिक्विड और वेपर के बीच में क्या आएगा, लिक्विड प्लस वेपर रीजन जिसको आप वेट रीजन बोलते हो, सॉलिड प्लस लिक्विड के बीच में क्या आएगा एस प्लस एल का, जहां पर बीच में इंटरमीडिएट में मिक्स फेज होगा, और यहां पर सॉलिड है और यहां पर क्या है वेपर, तो यहां पर क्या आएगा सॉलिड प्लस वेपर। अब एक चीज यहां पर आती है, देखो इस जगह पे हम देखते हैं यहां पर एक्चुअली इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इस लाइन पर आपका सॉलिड है लिक्विड है और यहां से आपका वेपर भी है। देखो इधर वेपर है ना इस साइड में, इस पोर्शन में पूरे में वेपर और सॉलिड है, वेपर सॉलिड, यहां पर सॉलिड एंड लिक्विड है। तो इस लाइन पे क्या होगा आपका सॉलिड लिक्विड वेपर तीनों फेज हो गए। अब फिर इस रीजन में आते हैं, कौन सी लाइन पे, इस लाइन पे देखते हैं, इस लाइन पे देखो इधर से सॉलिड है वेपर है यहां से लिक्विड भी है। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये जो लाइन है ये लाइन
इस लाइन पे पूरी पे तीनों फेज एग्जिस्ट कर रहे हैं, इस पूरी लाइन पे तीनों फेज एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये लाइन जो है एक ट्रिपल पॉइंट है। ये लाइन क्या है? ट्रिपल पॉइंट। तो हम लिख सकते हैं यहां पे ट्रिपल पॉइंट इज ए लाइन ऑन पीवी डायग्राम। ट्रिपल पॉइंट क्या है? लाइन है पीवी डायग्राम पे, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ट्रिपल पॉइंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर निकालते हैं, ट्रिपल पॉइंट की अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं, तो उसकी वैल्यू कुछ और आती है। उसकी वैल्यू आती है आपकी, देखो कितनी आएगी, देखते हैं। चलो ट्रिपल पॉइंट पे मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, ठीक है। देखो एफ प्लस पी इज इक्वल टू सी प्लस टू होता है, ठीक है। तो एट ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट के ऊपर हमें पता है फेज कितने होते हैं। फेज अभी तो बताया तीनों एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड सॉलिड वेपर एंड लिक्विड, तीनों फेज एग्जिस्ट करते हैं, तो फेज कितने हो गए? तीन। और कंपोनेंट कितना है? कंपोनेंट तो एक ही है, सिर्फ H2O ही है, कंपोनेंट एक है। तीन फेज है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, तीनों फेज एग्जिस्ट कर रहे हैं और कंपोनेंट सिर्फ एक ही है, वो कौन सा है? वाटर H2O। तो इसमें पुट करोगे तो F प्लस थ्री इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है? वन प्लस टू। तो एफ की वैल्यू कितनी है? जीरो। डिग्री ऑफ फ्रीडम एट ट्रिपल पॉइंट इज जीरो। डिग्री ऑफ फ्रीडम एट ट्रिपल पॉइंट इज जीरो। डिग्री ऑफ फ्रीडम एट ट्रिपल पॉइंट इज जीरो। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी ट्रिपल पॉइंट पे क्या है? जीरो है। लेकिन यहां पर तो ये वॉल्यूम वेरी कर रहा है ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम जीरो होने का मतलब कोई भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी वेरी नहीं करेगी वहां पे। सारे के सारे इंटेंसिव वेरिएबल जो होंगे वो फिक्स हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताई दिया, प्रेशर और टेम्परेचर की वैल्यू फिक्स है वाटर के लिए, है ना, ट्रिपल पॉइंट पे 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड पे और 0.6117 किलो पास्कल पे ही होगा, उसके अलावा और कहीं नहीं होगा ट्रिपल पॉइंट। तो फिक्स है, तो इंटेंसिव वेरिएबल फिक्स है, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी दो वो तो फिक्स है, लेकिन वॉल्यूम तो फिक्स नहीं है। वॉल्यूम तो देखो यहां से वॉल्यूम बढ़ रहा है, यहां तक गया वॉल्यूम, लेकिन अब यार वॉल्यूम इंटेंसिव वेरिएबल नहीं है। वॉल्यूम क्या है? आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो डेफिनेशन थी उसमें था नंबर ऑफ इंटेंसिव वेरिएबल रिक्वायर्ड टू फिक्स अ स्टेट। इंटेंसिव वेरिएबल जो आपके वेरी हो रहे हैं उनकी वैल्यू, ठीक है। तो इंटेंसिव वेरिएबल जो एक्चुअल में है प्रेशर एंड वॉल्यूम, वो तो फिक्स हो गए, तो उसको हम नहीं काउंट करेंगे, वो फिक्स हो गए, प्रेशर एंड टेम्परेचर फिक्स हो गए, लेकिन वॉल्यूम वेरी कर रहा है, बट वॉल्यूम इज नॉट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं नोट करके लिख सकते हैं, देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम एट ट्रिपल पॉइंट इज जीरो। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी ट्रिपल पॉइंट पे जीरो है, मींस नो इंटेंसिव वेरिएबल्स आर required to fix the state. No intensive variable are required to fix the state. ठीक है, intensive variable या intensive property भी लिख सकते हो, property लिख लो, चलो आप कुछ भी लिख सकते हो, property लिख सकते हो या variable लिख सकते हो, ठीक है, हम लिख सकते हैं। उसके बाद as
वॉल्यूम इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वॉल्यूम इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, सो इट कैन बी वेरिड, ये आपकी चेंज हो सकती है, ठीक है, वॉल्यूम आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये वेरी हो सकती है, और ये नोट जो है, ये नोट आपका, ये समझ लो ये 1000 रुपए का नोट है, ठीक है, ये नोट कितना है, 1000 रुपए का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नोट, 1000 रुपए का नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ में आ गया होगा आपको, बहुत इजी है, नेक्स्ट आते हैं हम, मोलियर डायग्राम के ऊपर, मोलियर डायग्राम, एक्चुअल में मोलियर डायग्राम जो आप पढ़ते हो एचएस कर्व होता है, एचएस कर्व इज नोन एज मोलियर डायग्राम, और ये ऐसे बनता है, आपने देखा भी होगा बुक्स में भी होता है पीछे मोलियर डायग्राम, है ना, थर्मो की बुक में भी होगा, ये आपका इस टाइप से थोड़ा सा ऐसे ही होता है, ठीक है, तो ये मोलियर डायग्राम इस टाइप से होता है, इसमें सारी अलग अलग होती है, इसको यूज करते हैं ज्यादातर, आजकल जो ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं उसमें ये यूज नहीं होता है, कंपटीशन में तो यूज नहीं होता है, ठीक है, हाँ कॉलेज के क्वेश्चंस में यूज होता है, और वो आप देख लोगे वो बहुत इजी है यूज करना, ठीक है, देखो हमें पता है इक्वेशन, हमें पता है टीडीएस इज इक्वल टू डीएच माइनस वीडीपी, हमें कांस्टेंट प्रेशर लाइन देखनी है, कांस्टेंट प्रेशर लाइन के बारे में देखना है, यानी कि P इक्वल टू कांस्टेंट, P इक्वल टू कांस्टेंट पुट करोगे तो dP की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, P इक्वल टू कांस्टेंट पुट करोगे तो dP की वैल्यू जीरो, तो TdS इज इक्वल टू dH, और HY है यहां पर और SX है, तो P इज इक्वल टू आ जाएगा dH by dS, और dH by dS का मतलब कॉन्स्टेंट प्रेशर लाइन का स्लोप, स्लोप ऑफ कॉन्स्टेंट प्रेशर लाइन, यानी कि dH by dS इज इक्वल टू T, तो हम कह सकते हैं, और एक और चीज, ये वाली जो लाइन है ये इस टाइप से आएगी, कॉन्स्टेंट प्रेशर लाइंस, मतलब इस टाइप से, ठीक है, सपोज करो इस लाइन पे P1 इक्वल टू कांस्टेंट है, इस लाइन पे P2 इक्वल टू कांस्टेंट है, तो ये इस टाइप से आएगी ये लाइंस, तो पहली चीज तो ये है कि स्लोप ऑफ कांस्टेंट प्रेशर लाइन ऑन मोलियर डायग्राम इज इक्वल टू T, टेम्परेचर T, ठीक है, तो हम पहली चीज तो ये लिखेंगे, द स्लोप ऑफ कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि हमने प्रेशर कांस्टेंट लेके निकाला था ना, ये कांस्टेंट प्रेशर लाइंस ऑन एचएस, एचएस डायग्राम लिख लो या फिर मोलियर डायग्राम लिख लो, इज इक्वल टू टेम्परेचर, किसके इक्वल है, टेम्परेचर टी के इक्वल, ठीक है, टेम्परेचर टी के इक्वल आ रहा है, पहली चीज, ठीक है, अब लिखेंगे हम एक नोट, छोटा सा नोट, 100 रुपए का नोट, इंपॉर्टेंट है ये भी,
ठीक है, 100 रुपए का नोट लिखेंगे हम छोटा सा, कि कांस्टेंट प्रेशर लाइन जो है ये एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पर वही जो ये एचएस डायग्राम होता है, यहाँ पर वही लिक्विड प्लस वेपर रीजन होता है और ये सुपर हीटेड रीजन होता है आपका, ठीक है। तो सुपर हीटेड रीजन में ये वाला जो वेपर रीजन है, सुपर हीटेड रीजन में आपकी कांस्टेंट प्रेशर लाइन क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, डाइवर्ज जैसे बाहर की तरफ जा रही है, डाइवर्ज कन्वर्ज होना मतलब एक पॉइंट पे मिलना, और डाइवर्ज होने का मतलब एक पॉइंट से दूर दूर जाना ऐसे, तो ये डाइवर्ज हो रही है, ठीक है। तो हमें लिखना है नोट में कांस्टेंट प्रेशर लाइंस ऑन मोलियर डायग्राम डाइवर्जेस इन सुपरहीटेड रीजन। सुपरहीटेड रीजन में क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, डाइवर्जेस इन सुपरहीटेड रीजन, ये आपका नोट हो गया। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी इसमें थोड़ा सा कुछ और पार्ट बचा है, थोड़ा सा पार्ट प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस का, क्लोसियस इक्वेशन एंड क्लेपायरन इक्वेशन, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। उसके बाद ये हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस खत्म हो जाएगा, उसके बाद बाकी फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, आप अच्छे से पढ़ाई करो, खुश रहो, अच्छे से पढ़ाई करो एंड एंजॉय करो, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।